बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला दारोगा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला दारोगा का सहयोगी कारखास भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कमिश्नर की पहल के बाद क्राइम ब्रांच ने महिला दारोगा को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया। ये महिला दारोगा कानपुर पूर्वी जोन के एडिशनल DCP के कार्यालय में तैनात थी। दरअसल महिला दारोगा कोतवाली में तैनात एक होमगार्ड के साथ पंटी के एक घर में रैकेट की सूचना पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। मौके से जलौन के दो कारोबारियों को पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। आरोप है कि करीब 3 घंटे तक दोनों कारोबारियों को अपनी कार में बैठाकर शहर भर में घूमती रही और छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए मांगे गए। किसी तरह से दोनों कारोबारी महिला दरोगा के चंगुल से छूटे और पुलिस आयुक्त से मिलकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच और महिला को पकड़ने के आदेश दिए और रंगे हाथों महिला को पकड़ा गया। गोपनीय सूचना के ऊपर कार्यवाही करते हुए कानपुर पुलिस ने आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कुछ पुलिसकर्मी हैं और कुछ अन्य लोग हैं। 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा एक्सटॉर्शन, मारपीट इत्यादि से संबंधित है, सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई है। और दूसरा मुकदमा गैर कानूनी देय व्यवसाय से संबंधित है, जिसे संबंधित सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई है। दोनों की विवेचना प्रचलित है और गुणदोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 5 बजे उनका वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम योगी वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और वाराणसी में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम योगी का ये वाराणसी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। विकास कार्यों का वाराणसी में जायजा लेंगे और रात्रि विश्राम भी उनका वाराणसी में ही रहेगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में ग्रामीणों को आवास का मालिकाना हक दिलाने के लिए योगी सरकार तेजी से जुटी हुई है। सीएम योगी 10 लाख से अधिक गांव वालों को उनके घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। दोपहर 12 बजे लखनऊ के लोक भवन में घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। दरअसल 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं 23,287 गांव की कुल 34,28,305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी। बता दें, यूपी सरकार प्रदेश में 23 दिसंबर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15,940 गांव में 23,47,243 घरौनियों का वितरण कर चुकी है। शुक्रवार को आगरा के एक अपार्टमेंट में लिविन में रह रही फैशन ब्लॉगर रितिका सिंह की 4थी मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत हुई है। बताया जा रहा है किसी और के साथ रहने की वजह से पति नाराज चल रहा था और फिर पति ने उसके साथ मारपीट की, फिर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने फ्लैट में जांच की। फ्लैट में सामान बिखरा हुआ था और सैंडल भी पड़ी हुई थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सबूतों को कब्जे में लिया तो वहीं हत्या के आरोप में पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फैशन ब्लॉगर बताई जा रही है मृतका और उसके पति पर हत्या का आरोप लगा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ब्लॉगर रितिका को किसने मारा हालांकि अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पति पर मर्डर का आरोप लग रहा है। साथ ही फ्लैट में जो फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की तो वहां पर सामान बिखरा हुआ मिला। दरअसल आगरा के थाना ताजगंज इलाके में महिला ब्लॉगर रितिका की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हुई है। रितिका अपने साथी के साथ लिविन में रह रही थी। आरोप है कि फ्लैट में पहुंचकर पति और उसके साथ कई लोगों ने मारपीट की, रितिका को फ्लैट से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। रितिका और उसके पति के बीच तलाक का केस चल रहा है। गाजियाबाद से रितिका की माँ और मामा आगरा पहुंचे तो उन्होंने पति पर ही आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार गहराई से जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं अब आगरा में महिला ब्लॉगर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रितिका के परिजनों ने रितिका के पति और उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रितिका के पति आकाश पर रितिका की मां और मामा ने आरोप लगाए हैं। दोनों का आरोप है कि उसका पति आकाश आए दिन जान से मारने की धमकी दिया करता था। इसके अलावा उसका पति आकाश और उसका बहनोई भी रितिका को टॉर्चर करता था। वो सारी सलाह देता है, वो सारे काम कराता है और पहले भी एक साल से परेशान किया और मारपीट करा। एक बार उसको जलाया, मैं मौके पर पहुंच गई तो उसका बड़ा भाई था, उसके हाथ पकड़े हुए था और लड़की को पैर में जला रहा उसको। जब मैं गई तो तुरंत हट गए ये लोग जो है। अरे एक साल से परेशान कर रखा है इसने, एक साल से, और खुद नौकरी नहीं कर रहा और क्या नाम है, लड़की जाती कमा के इसे खिलाती थी और उसके बावजूद भी ये स्कूल जाती, वहाँ जाके इसको मारपीट की इसके कई बार, इसको वहाँ जाके भी इसकी बेइज्जती करता, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद करता रहता। और बार बार फोन करती थी माँ को कि मम्मी मैं परेशान हूँ, मुझे टॉर्चर करते हैं और मेरे अपने जान माल का हमला है, मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ ये घटना न घट जाए। क्योंकि हमारा तो दरअसल ये मामला हुआ, अब हम तो बात कम ही करते लेकिन वो अपनी माँ से बार बार बात करते, कभी मौका मिलता। बहुत डरी हुई थी, कह रही मम्मी कल फोन भी आया था आने के लिए, मम्मी मैं भाई आ रही लेकिन आने भाई उससे पहले ये कांड हो गया। उधर लखनऊ में अंसल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा कसा है। अंसल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, निवेशकों से धोखाधड़ी का उस पर आरोप लगा है। ईडी ने पुलिस से केस की पूरी जानकारी मांगी है। अंसल पर अब तक एफआईआर की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें अंसल ग्रुप पर अब तक कई केसेस दर्ज हो चुके हैं और अब अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अंसल ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। ईडी ने पुलिस से केस की जानकारी मांगी है। अब तक कई एफआईआर हो चुकी हैं जिनकी जानकारी मांगी गई है। अंसल ग्रुप पर कई केसेस दर्ज हैं। कानपुर हिंसा मामले में फंडिंग का आरोपी मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब उसकी करतूतें सामने आ रही हैं। मुख्तार बाबा पर जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर अब कई केसेस दर्ज हुए हैं। तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद निशाने पर आया मुख्तार बाबा गिरफ्तार हो चुका है। मुख्तार बाबा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच मुख्तार की संपत्ति, उसके अतीत और उसकी गुंडाई की कहानी सामने आ रही है। कानपुर हिंसा केस में फंडिंग का आरोपी मुख्तार न्यायिक हिरासत में है, तो उस पर कई और केस दर्ज किए गए। मुख्तार बाबा पर राम जानकी मंदिर, प्रेम नगर शिव मंदिर पर कब्जे का आरोप। बेगमगंज थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं उसके संबंध में विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किए गए हैं और न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी मुकदमे हैं जो कि विभिन्न लोगों ने, जैसे एहसानुल हक अंसारी, अदीबुल कदर, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कंप्लेन फाइल की थी। मुख्तार बाबा पर एक साथ कई केस दर्ज हुए, उस पर राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि जहां आज बाबा स्वीट्स है, वहां कभी राम जानकी मंदिर हुआ करता था। अच्छा, आपके वालिद या आपके वालिद या आपके बुजुर्गों ने बताया था कि यहां जो मंदिर था उसमें कभी उन्होंने पूजा होते देखा, किस तरीके का? मैंने खुद देखा है। अच्छा, बता तो रहे हैं कि सन 1966 से मैं यहाँ आने लगा था। सन 1966 से मैं जिगा अपनी दुकान पे आने लगा था, 68 में मेरे वालिद साहब खत्म हुए। एहसान उल हक का आरोप है कि मुख्तार बाबा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसा है कि उसकी टाइम तो वो D2 गैंग के साथ ऑलरेडी मतलब शामिल ही था और उसने ये छीन लिया हमसे दुकान। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस मुख्तार बाबा से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच मुख्तार बाबा की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्तार बाबा के पिता पहले पंक्चर की दुकान चलाते थे, इस जर्जर राम जानकी मंदिर के सामने अपनी दुकान लगाते थे। बाद में मुख्तार बाबा पिता की मदद करने लगा और ब्रेड और दूध का छोटा काउंटर लगाने लगा। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा की यहीं पर 1968 में जब पिता ने शुरुआत ही की थी तो यहाँ पंचर की दुकान होती थी, तो पंचर की दुकान से लेकर करोड़ों तक कमाने का सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी और यही वो शत्रु संपत्ति बताई जा रही है
जो राम जानकी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके मुख्तार बाबा ने यहाँ पर कब्जा किया है। फिलहाल SIT और पुलिस की अन्य टीमें मुख्तार बाबा के खिलाफ जांच कर रही हैं और मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए लिया गया है। बताया जा रहा है कि 1992 के दंगे के बाद से मुख्तार बाबा की किस्मत चमक गई। मुख्तार बाबा ने अपनी पैतरेबाजी से बिरयानी की दुकान सजा ली और बहुत ही तेजी से करोड़पति बन गया। पंचर बनाने से लेकर के जो सफर शुरू हुआ था वो करोड़पति मुख्तार बाबा की यही वो दुकान है जहां पर पुलिस ने 6 बार नोटिस भेजा और जब मुख्तार बाबा सामने नहीं आया तो आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मुख्तार बाबा से पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर के कड़ियां जोड़ने का काम SIT और पुलिस कर रही है। न्यूज 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा।